बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। देखिए ये पूरा नया पूरा मतलब एरिया कहलाता है, नया पूरा मार्केट्स वगैरह। और देखिए कुछ इस तरह का इंटरेस्ट रहेगा, वेलकम आरएम हवेली, नया नया होटल अभी एकदम, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। देख पा रहे होंगे साइज रूम की काफी बिग साइज है और सामने एसी वेसी लगा हुआ है, एसी और पंखा दोनों है, जो भी आप चलाना चाहे। तो ये रूम उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और रूम के अंदर आपको अभी ठंडी का मौसम है तो आपको ओढ़ने के लिए जो रजाई वगैरह जो है, वो भी वॉल पेंटिंग लगी हुई है। वॉल पेपर आपको मतलब जो है बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल पेपर लगा है। इंग्लिश टॉयलेट आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा और नहाने के लिए आपको शॉवर की व्यवस्था है, शॉवर से भी आप नहा सकते हैं, और गीजर की व्यवस्था आपको इस रूम में भी मिल जाएगी। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों फाइनली दो दिन कोटा में रहने के बाद आज मैं जो हूँ चेकआउट कर रहा हूँ यहाँ से, और मैंने आपसे वादा किया था कि भी जब मैं यहाँ पे होटल में एंटर हुआ था कि भी मैं जब यहाँ से चेकआउट करूँगा तो मैं यहाँ का होटल का वीडियो डालूंगा, जिससे आप लोग कभी भी कोटा वगैरह घूमने के लिए आए तो आपको एक अच्छी होटल जो है यहाँ पर उपलब्ध हो सके एकदम बजट और किफ़ायती दाम में। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर होटल है, तो चलिए मैं आपको पूरा होटल का जो है एक वीडियो अलग से बना के पूरा उसमें जानकारी दूंगा कि यहाँ पे आपको किस तरह के जो है रूम मिलेंगे और क्या क्या प्राइस वगैरह है, और पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे होटल के बारे में। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। आरएम हवेली नाम से यह होटल है और देखिए कुछ इस तरह का इंटरेस्ट रहेगा, वेलकम आरएम हवेली श्री गणेश ट्रेवल्स। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधा होटल के अंदर। तो चलिए दोस्तों आपके लेके चलता हूँ मैं सीधा होटल के अंदर, किस तरह के रूम मिलेंगे यहाँ पे आपको, किस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, और ये नया नया होटल अभी एकदम, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे ठहरने के लिए। तो चलिए होटल के अंदर चलते हैं और पूरा आपको जो है पूरा जानकारी देते हैं इस होटल के बारे में। तो होटल में जैसे ही प्रवेश करते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे रिसेप्शन रहेगा, तो रिसेप्शन में जो है अंकल जी है, बहुत ही अच्छा नेचर इनका, और मैं जब आया था तो इनसे बातचीत वगैरह हुई थी वगैरह। तो कैसे हो अंकल जी? मुझे भी एकदम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर, क्या नाम है आपका? सुनील पारिक। सुनील जी, तो इस होटल के बारे में सुनील जी हमारे साथ रहेंगे और अभी आपको लेके चलते हैं पूरा यहाँ से जो है ऊपर की ओर जो रूम बने हुए हैं, तो रूम वगैरह दिखाते हैं आपको किस तरह के रूम आपको उपलब्ध होंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों सारे रूम वगैरह जो है आपको दिखाते हैं। और ये सीढ़ियां है, जस्ट ज्यादा ऊपर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर ये, तो एंट्रेंस तो ऊपर आने के बाद देखिए कुछ इस तरह का रूम रहेगा। और ये रूम जिसमें मैं ठहरा था 117 नंबर। तो चलिए दोस्तों सर्वप्रथम आपको जो है 114 नंबर का रूम दिखाते हैं। तो इस तरह का रूम रहेगा, देखिए काफी सुंदर है, साफ सफाई वगैरह अच्छी है। दिस इज फॉर वॉल पेपर, एलईडी स्क्रीन है, यहाँ पर टीवी भी लगी हुई है, दो चेयर है यहाँ पर और एक टेबल यहाँ पे मिलेगा। वॉल पेंटिंग है जो राजस्थान के जो कल्चर है उसको दिखाते हुए, फिर टॉयलेट भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ का कैसा है। तो आपको जो है इंग्लिश टॉयलेट जो यूज करने के लिए मिल जाएगा और यहाँ नहाने के लिए वगैरह गीजर की भी व्यवस्था है आपको, गीजर की भी, देखिए ठंडी का मौसम चला है तो गीजर भी आपको यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों रूम, इसके बाद हम आपको एक और रूम है वो भी बता देते हैं, किस प्रकार के किस किस कैटेगरी के रूम है सारा डिटेल्स में बता देते हैं। तो अभी आपने देखा वो था मिनी रूम, उसके बाद आपको जो है बड़ा रूम दिखाते हैं जो है 113 नंबर, ये थोड़ा साइज में उससे बड़ा रहेगा। तो ठीक है, रूम में प्रवेश कर चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे साइज रूम की काफी बिग साइज है और सामने एसी वेसी लगा हुआ है, एसी और पंखा दोनों है, जो भी आप चलाना चाहे। तो ये रूम उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और रूम के अंदर आपको अभी ठंडी का मौसम है तो आपको ओढ़ने के लिए जो रजाई वगैरह जो है पूरा जो कंबल वगैरह है काफी एकदम मतलब जो है साफ सफाई वाला पूरा कंबल, देखिए काफी ब्यूटीफुल कंबल, ठीक है। और यहाँ पे भी वॉल पेंटिंग लगी हुई है जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे राजस्थान की जो धरोहर है, राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए कोटा को, और वॉल पेपर यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो है वॉलपेपर आपको मतलब जो है बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर लग रहा है, जिससे कि आप रूम में ठहरते हैं तो आपको एक अलग ही टाइप का फीलिंग आता है। तो चलिए अभी आपको, और यहाँ पे आपको एलईडी यहाँ पे भी मिल जाएगा, एलईडी लगा हुआ है और एलईडी के साथ में जो है देखिए कचरे के लिए बाल्टी रखी हुई है, और ये टेबल वगैरह है, जग वगैरह है, रिमोट है, टीवी, ये वाला वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें भी जो है इंग्लिश टॉयलेट आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा और नहाने के लिए आपको शॉवर की व्यवस्था है, शॉवर से भी आप नहा सकते हैं, और गीजर की व्यवस्था आपको इस रूम में भी मिल जाएगी।
दोस्तों ये तो थे यहाँ के रूम जो कि मैंने आपको दिखाए, लेकिन यहाँ पे आपको ठहरते हैं तो एक और बहुत ही शानदार लुक्स देखने को मिलेगा, टेरेस व्यू। तो टेरेस ज्यादा ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं है देखिए यहाँ से ऊपर। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ मैं सीधा टेरेस पर, और टेरेस से भाई साहब क्या नजारा एकदम सामने चंबल और वो जो है। और दोस्तों सबसे ब्यूटीफुल बात बताऊँ इस होटल की, आप इस होटल में अगर आप ठहरते हैं तो यहाँ पे आपको जो नया रिवर फ्रंट बना है 1400 करोड़ की लागत से, वो बिल्कुल नजदीक में है, वॉकिंग डिस्टेंस मतलब 200 से 300 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस से आप जो है रिवर फ्रंट का नजारा देख सकते हैं। चलिए लेके चलता हूँ आपको सीधा ऊपर, जो है आपको टेरेस व्यू दिखा देता हूँ एक बार। तो चलिए दोस्तों टेरेस व्यूज भी दिखा देते हैं आपको, माइंड ब्लाइंड, बहुत ही सुंदर नजर, ब्यूटीफुल वहां से देखेगा आपको टेरेस से। तो ये हम आ गए दोस्तों टेरेस पर, यहाँ पे अभी सेटअप वगैरह जो है तैयार हो रहा है, किचन वगैरह, क्योंकि नया नया होटल है दोस्तों, ठीक है ना। तो जस्ट अभी नया नया बना है तो पूरा अभी सेटअप चल रहा है, तो आप आने वाले टाइम में आपको रेस्टोरेंट का आनंद भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। और व्यूज देखिए दोस्तों यहाँ से, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। देखिए ये पूरा नया पूरा मतलब एरिया कहलाता है, नया पूरा मार्केट्स वगैरह। और हाल ही में अयोध्या राम मंदिर बना है, तो आपको चारों तरफ जो है राम जी के जो ध्वजा है, जय श्री राम वाली, वो चारों तरफ आपको दिख जाएगी। और ये इधर जो है चंबल व्यू देखने को मिलेगा आपको, चंबल नदी का जो रिवर फ्रंट है जो कि हाल ही में नया बना है 1400 करोड़ रुपए की लागत से, तो वो सारा देखिए टॉप व्यू है ये। और यहाँ पे चेयर वगैरह की व्यवस्था है देखिए, तो आप अभी फिलहाल जो है चल रहा है ठंडी का मौसम, तो यह इधर धूप है, धूप में बैठ से भी जो है आप पूरा भरपूर जो है आनंद ले सकते हो ऊपर बैठ के टेरेस व्यू का। तो टेरेस व्यू का भी आनंद ले सकते हैं टेरेस पे बैठ के, एकदम पूरा खुली खुली मस्त हवा आ रही है। तो इस होटल का सबसे ये पॉइंट मेरे को और भी बेटर लगा, हालांकि पूरा व्यू अच्छा है, साफ सफाई अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और ये टॉप व्यू तो माइंड ब्लोइंग, ठीक है ना। तो चलिए कुछ एक बार आपको व्यूज फिर से दिखा देता हूँ। ये आपको जो है टेरेस से जो है इस तरह का पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा देखिए। और ये जो साइड है ना दोस्तों, इधर से जो है ये जो ब्रिज है, ब्रिज के जस्ट नीचे से ही आप जो है रिवर फ्रंट जो नया बनाया है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है होटल, बिल्कुल रिवर फ्रंट के बिल्कुल पास में ही समझ सकते हैं। दोस्तों प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रूम की जो प्राइस है मतलब स्टार्टिंग जो है 500 से स्टार्ट है, 500 से लेकर 800, 1200, 1500, तो अलग अलग जो रेट में आपको जो है पूरा रूम जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और आप वीडियो देखकर आएंगे बोले कि जे के मथुरिया ब्लॉग पे हमने वीडियो देखा था, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसके। दोस्तों इसी रूम में इसी रेट में कई सारे और भी होटल हो जाते हैं, लेकिन कई जगह क्या गंदगी बहुत होती है और मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा पूरा वर्ल्ड का घूमने का रहता है, पूरा वर्ल्ड घूमता रहता हूँ, तो मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसा होटल ढूंढता हूँ जो साफ सफाई हो, और जो अच्छी चीज़ें होती है वही मैं दिखाता हूँ मेरे चैनल जे के मथुरिया ब्लॉग पे। तो ये होटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्टार रेटिंग अगर बात देना चाहूँ तो मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा इस होटल की रैंकिंग। तो चलिए अभी रिसेप्शन में लेके चलता हूँ आपको सीधा, और यहाँ के जो ओनर सर है, जो रिसेप्शन में जो दादा है, तो उनसे बात करेंगे, वो आपको पूरा एक बार लोकेशन दे देंगे, और बाकी जानकारी जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नंबर वगैरह, तो आप फोन करके भी आप जो है बुकिंग वुकिंग करवा सकते हैं। पर आएंगे तो रिसेप्शन में आपको जो है दादा मिलेंगे, तो दादा दादा एक बार जो लोकेशन बता दीजिए कोई भी अगर ये वीडियो देख के यहाँ पे आवे फोटो में जी, तो ये लोकेशन क्या पड़ेगा? ये नया पूरा रोडवेज बस स्टैंड है पुराना जी जी, बस उसके सामने लोक परिवहन का ऑफिस है, बस उससे 2 मकान छोड़ के 3 होटल है। अच्छा अच्छा, लोक परिवहन का जो ऑफिस है आरएम हवेली के नाम से, आरएम हवेली नाम। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको जानकारी दी होटल के बारे में, बहुत ही अच्छी होटल है, बहुत ही खूबसूरत है, और बाकी तो ज्यादा तारीफ क्या करूँ, आप लोग खुद आएंगे तब आपको पता चलेगा, बाकी आपने देखा होगा व्यूज वगैरह। आप लोग कभी भी राजस्थान कोटा घूमने के लिए आए या कोटा किसी भी काम से रुकना हो तो ये बेस्ट होटल के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बाकी एड्रेस वगैरह जो है पूरा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और नंबर भी यहाँ के मिल जाएंगे, आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।